जी तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, वीडियो की तरफ चलते हैं। मैं यहाँ पे लस्सी बना रही थी तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूँ। इतनी मज़े की लस्सी बनती है और हेल्दी भी ये बहुत ज़्यादा है, मतलब इसमें सब प्रोटीन और ये सब होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी है। रमज़ान में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर मीडियम ग्लास ही एक ग्लास बना रही हूँ जो कि मीडियम होता है। तो मैंने दही ले लिया, दही में मैंने पानी ऐड नहीं किया, जो दही के ऊपर थोड़ा सा पानी होता है वही मैंने डाला है बस। और बफे क्यूब डालूंगी, थोड़ी सी शुगर डालूंगी, शुगर इतनी डालनी है कि बस मीठे होने का टेस्ट आए और बहुत ज़्यादा मीठी ना हो कि हमारे होंठ चिपचिप करने लग जाए, क्योंकि ज़्यादा मीठा तो फिर खाया भी नहीं जाता। तो ये बर्फ़ बर्फ़ डालने के साथ ही जो लस्सी का टेक्सचर है वो बैलेंस हो जाएगा, ना वो पतली रहेगी ना गाढ़ी रहेगी, और ज़्यादा पतली तो ये अच्छी भी नहीं लगती, इसलिए थोड़ी गाढ़ी ही अच्छी लगती है। इसलिए अभी मैं इसके अंदर थोड़ी सी क्रीम ऐड करूँगी जो कि इससे फिर क्रीमी टेक्सचर आ जाता है। अगर आप लोगों का दही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, जैसे घर का दही होता है जो वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो उसके अंदर बंदा थोड़ा सा दूध ऐड कर ले तो फिर वो क्रीम डालने की भी ज़रूरत नहीं रहती। तो मैंने थोड़ी सी क्रीम डाल दी, अभी इसके बाद फिर मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की ये लस्सी बनती है। रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, शबरात वाले दिन मैंने बनाई थी, अभी मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर ज़रूर कर दीजिएगा। अभी ब्लेंड हो गई है मेरी लस्सी, अभी मैं इसको शीशे के ग्लास में डाल के इसको मैं थोड़ा सा जामेशेरी साइडों पे लगा के अच्छा खूबसूरत करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वाइट और फिर रेड का कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, बट इतना हो नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी खाने के लिए। अच्छा जी, लस्सी डालने के बाद फिर मैंने, मेरे पास फ्लेवर वाला दही था, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, पाकिस्तान में भी किधर भी कहीं भी मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आपने लस्सी के ऊपर एक स्पून दोबारा अपना दही डाल देना है, इतना कोई मज़े का लगेगा ना कि उसके ऊपर फिर आपने थोड़ा सा जामेश्वरी ड्रिजल कर देना है, तो इतना प्यारा भी लगता है और उसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अगर फ्लेवर वाला है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, अगर दही फ्लेवर वाला नहीं है तो एक स्पून आप दूसरा भर के डाल दीजिएगा। और ठंडी चिल्ड लस्सी होनी चाहिए, इतने मतलब कि ये अगर ठंडी नहीं होगी तो उसका मज़ा नहीं आएगा। देखिए आप कितनी मज़े की लग रही है, और वाकई में इतनी मज़े की थी, मैं खुद हैरान थी कि इतनी मज़े की बनी है। देखिए अभी मैं थोड़ा सा जामेशेरी इसके ऊपर डाल दूँगी और फिर इसके फाइनल लुक आप लोग देख लीजिएगा। तो बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दे। देखिए कितनी मज़े की लग रही, मुझे साइडों पे और थोड़ा जामेशेरी लगाना चाहिए था बट मैं लेट बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए बस इतनी सी बनी है। और देखिए गाढ़ी भी नहीं बहुत ज़्यादा और पतली भी नहीं है। अल्लाह हाफिज़।